हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हेल्थ अपडेट में। सेहत और खान पान के प्रति लापरवाही आपको गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। हेपेटाइटिस को पीलिया की सेकेंड स्टेज माना जाता है। यदि इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो ये व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है, के अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर या फिर जलोदर की प्रॉब्लम को बना सकता है। इस बीमारी से जुड़े कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं, ये आपको जानना बेहद जरूरी भी है। दोस्तों, आपको एक आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन करना है। इसके लिए पुनर्वा जड़, मकोए, बड़ा गोखरू, रोहिणी की छाल, काल में एक पंचांग और चिरायता को 50-50 ग्राम लेना है और इसमें 25 ग्राम कुटकी मिलाकर चूर्ण बना लेना है। इसे 1-2 चम्मच 8 घंटे के अंतराल से दिन में 2 बार सामान्य पानी के साथ लेना है। छोटे बच्चों के लिए इसके आधी चम्मच ही रहने दें। ऐसा अगर आप 1 महीने तक करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। नारियल पानी और जूस, दिन में 2-3 बार नारियल पानी पिएं। लौकी, सेब व गन्ने का रस भी लेने से लीवर की सूजन ठीक होती है। इसके अलावा आप 200 मिलीलीटर एलोवेरा का जूस दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, लेकिन परहेज क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। इस बीमारी में दवाओं के साथ परहेज भी बेहद जरूरी है। ऐसा ना करने पर दवाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं और बीमारी वैसी बनी रहती है। उड़द, हींग, सरसों का तेल, घी, तेज मिर्च मसाले, खट्टे पदार्थ, जंक फूड और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से निजात मिल सकता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए हेल्थ अपडेट के साथ। नमस्कार।